सुंदर चाचा, ओ सुंदर चाचा, अरे घर पर हो? बापू घर पर नहीं है। हाँ तो तू कहाँ जा रही है? बापू घर पर नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है, मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ? मुझसे तुझे क्या बात करनी है? अरे बिजली, बहुत फायदे की बात है, मैं जरा आराम से बैठ जाऊँ फिर बताता हूँ। अरे हाँ? तू तो पूछे बिना ही बैठ गया। क्या करूँ बिजली, गाँव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। ठीक है ठीक है, जल्दी बोल क्या बात है। बात यह है बिजली, हाँ? क्या इस आईने में तू अपना सुंदर मुखड़ा रोज देखती है? इस आईने में? छी। अरे तेरे पास तो चांदी के चौकटे में मड़ा हुआ आईना होना चाहिए, जैसा राजकुमारियों के पास होता है। बस बस, ज्यादा चढ़ा मत मुझे। चढ़ा नहीं रहा बिजली, ये सोले आने खरी सच्चाई है। अरे तेरी सुंदरता का वर्णन मैं तो क्या, कवि कालिदास भी नहीं कर सकता है। तुझको नहीं मालूम तू क्या है? पुनीम, तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी। तारीफ कैसी, चांद को तो चांद कहना ही पड़ता है ना। अरे मुझसे पूछ तो तू जीती जागती अप्सरा है, अप्सरा, मगर क्या फायदा, सब कुछ होते हुए भी तू एक झोपड़ी में बंद है। अरे तूने क्या झोपड़ी में रहने के लिए जन्म लिया है, है? तो फिर कहाँ रहने के लिए जन्म लिया है? ठाकुर की हवेली में, जहाँ तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरे पास नहीं है। हीरे जवाहरात, ऐशो आराम, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात ठाकुर साहब करने को तैयार हैं। अच्छा? मेरा इतना ख्याल है उनको? अरे इससे भी ज्यादा, तभी तो ठाकुर साहब ने तुम लोगों को ये झोपड़ी रहने के लिए दी है। मेरी बात मान, हाँ कर दे, आज दिन भी बहुत अच्छा है, चल मेरे साथ, ठाकुर साहब तुझको देखते ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन पहले मैं तैयार हो जाऊँ। अरे सजले सजले। अरे वाह बनवारी लाल जी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे इस बिजली के जरिए, काम हो गया। अरे बिजली तू जल्दी कर, सजी कि नहीं? हाँ मुनीम जी, सज रही हूँ। अरे दूध गिरा, अरे मैं तेरा अरे मैं तुझे राजा बना रहा हूँ, तू मुझे फकीर बना रही है। अरे क्या कर रही है तू? मम्मी ने साला चोर कहीं का,